हेलो दोस्तों, मैं हूँ शीतल और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज का वीडियो जो है ये मेरा फोटोग्राफी रिलेटेड है और आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुपर कूल कैमरा अनबॉक्स करके बताऊंगी। तो क्या है ना दोस्तों, पुराने टाइम पे हम ऐसे लैब्स को जाकर फ़ोटोज़ प्रिंट कराते थे और इन फ़ोटोज़ का एक एल्बम भी बनाते थे जिससे वो मेमोरी हमेशा हमारे साथ ही रहता था। लेकिन आजकल तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, हम सिर्फ ऐसे फ़ोन्स में फ़ोटोज़ ले रहे हैं और इनकेस सोचो कि आपका वो फ़ोटो डिलीट हो गया तो आपका वो प्रेशियस मेमोरी भी चला जाएगा। लेकिन आप सोचो, फ़ोटो क्लिक करते ही उसका एक हार्ड कॉपी आपको मिल गया तो वो मोमेंट, वो प्रेशियस मोमेंट आपके साथ हमेशा रहेगा। और या फिर आप उस पिक्चर को किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, या इंस्टेंटली आपको फ़ोटो मिल जाएगा तो आप उससे एक एल्बम भी बना सकते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये फ्यूजी फिल्म का इंस्टैक्स मिनी 9 कैमरा अनबॉक्स करके बताऊंगी। और इस कैमरा का स्पेशलिटी ये है कि फ़ोटो क्लिक करते ही इंस्टेंटली ऐसे फ़ोटो बाहर हमें एक हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इसे अनबॉक्स करके इसके सारे फीचर्स भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मेरे पास इंस्टैक्स मिनी 9 का इंस्टेंट कैमरा है और उसके साथ ही इस कैमरा में डालने के लिए इसका इंस्टेंट फिल्म का एक पैकेट भी है। मैं आपको ये बॉक्स में क्या है बाद में बताऊंगी, पहले तो कैमरा दिखा दूंगी। तो ये कैमरा इस सिंपल सी बॉक्स पैकिंग में आया है। तो चलिए फर्स्ट आपको इसका बॉक्स पैकिंग कैसा है दिखा दूंगी। यहाँ पर ऊपर फ्यूजी फिल्म ब्रांडिंग है और सेंटर में लिखा है इंस्टैक्स मिनी 9 इंस्टेंट कैमरा। इस तरफ इस कैमरा का एक पिक्चर भी है और यहाँ पर हम इसका एक लेंस भी देख सकते हैं, ये इसका क्लोजअप लेंस है। बॉक्स के इस तरफ इस कैमरा के थोड़े स्पेसिफिकेशंस है और सब कुछ चाइनीज़ में ही लिखा है और इधर भी उतना कुछ लिखा नहीं है, बस ऐसे सिंपल से बॉक्स में आए हैं। तो चलिए अब हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो बॉक्स के अंदर ये सारे चीज़ें आई, ये इसका यूज़र मैनुअल है, इसमें इस कैमरा को कैसे यूज़ करते हैं एक पिक्चर के साथ मेंशन किया हुआ है और हमें एक इंस्टैक्स मिनी 9 का स्टिकर भी आया और इसमें वारंटी कार्ड भी है। तो दोस्तों इसका यूज़र मैनुअल को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा इस कैमरा को यूज़ करने से पहले। और दोस्तों इस छोटे से पैकेट में एक लेंस आया है, ये कम्प्लीट प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है और यहाँ पर ऊपर हम देख भी सकते हैं लिखा है कीप 35-50 सेंटीमीटर्स ऑफ डिस्टेंस। तो आप इस लेंस को कैमरा पर लगा कर ऑब्जेक्ट के और थोड़े नज़दीक जाकर भी पिक्चर्स ले सकते हैं। और ये रहा इंस्टैक्स मिनी 9 कैमरा, ये नीटली पैक्ड आया है इस कवर में और देखने में भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है लाइट ब्लू कलर में। ये और कई सारे डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है और ये कंप्लीट प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है और उतना हेवी भी नहीं है। यहाँ पर इंस्टैक्स मिनी 9 ब्रांडिंग लिखा हुआ है और ये इसका फ्लैश है और ये दो छोटे होल्स जो है ये इसका लाइट सेंसर है, ये व्यू फाइंडर है और ये इसका शटर बटन है। सामने हम एक छोटा सा मिरर भी देख सकते हैं, ये एक सेल्फी मिरर है और इसके सेंटर में इसके स्पेसिफिकेशंस भी लिखा हुआ है। इसमें 60mm का लेंस है और इसका फोकस रेंज है 0.6 मीटर्स टू इन्फिनिटी और ये बटन प्रेस करने पर ये लेंस बाहर आ जाता है, ये इसका पावर बटन है। और इधर दो होल्स है इसमें हैंड स्ट्रैप डालने के लिए और ऊपर फ्यूजी फिल्म ब्रांडिंग भी है और इस स्लॉट से फाइनल पिक्चर बाहर आता है। और इसके बैक साइड में इसमें कार्ट्रिज डालने के लिए एक बैक कवर है और ये छोटा सा होल जो है इसमें ये कितने पिक्चर्स इसके कार्ट्रिज में लेफ्ट है वो काउंट भी दिखाएगा। और इधर आप इसका व्यू फाइंडर देख सकते हो और उसके बाजू एक एलईडी इंडिकेटर भी है। और ये इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, इसमें आपको दो AA बैटरीज डालना पड़ेगा इस कैमरा को ऑन करने के लिए। और नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो ये इसका कंप्लीट डिज़ाइन है और देखने में भी बहुत ही रेट्रो लुक के साथ बढ़िया दिख रहा है ये कैमरा। इधर आप कैमरा के सामने अलग अलग मोड्स भी देख सकते हो, इसमें इंडोर, आउटडोर, क्लाउडी, सनी, ऐसे चार अलग मोड्स है। तो आप कैमरा ऑन करने के बाद रूम के लाइटिंग के हिसाब से कौन सा मोड बेस्ट है उसे सेलेक्ट करके आप फोटो क्लिक करना, वरना पिक्चर उतना एज एक्सपेक्टेड नहीं आएगा, थोड़ा अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज आने के चांसेस होंगे। चलिए अब मैं आपको इस कैमरा में इसका कार्ट्रिज कैसे प्लेस करते हैं भी दिखाऊंगी। उस बॉक्स में 2 कार्ट्रिजेस आए थे और एक कार्ट्रिज में 10 पिक्चर्स है और इसमें प्लेस करना भी बहुत ही सिंपल है। सिर्फ ये 2 येलो मार्क्स को ऐसे मैच करके इसमें रख दीजिए और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इस कैमरा को ऑन करके बताऊंगी और ऑन करने के लिए आपको पहले इस कैमरा में बैटरीज डालना पड़ेगा। इसमें 2 AA एल्कलाइन बैटरीज डाल रही हूँ मैं रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ कर रही हूँ। और इसमें बैटरीज प्लेस करते वक्त आप इसका पोलैरिटी प्लस और माइनस चेक करके इस कैमरा में प्लेस कीजिए। तो हाँ, बैटरीज रखना हो गया और अब पावर बटन दबाने पर ये ऑन हो गया और इधर इसका LED इंडिकेटर फ्लैश हो रहा है, यानी कि कैमरा रेडी हो रहा है। और ये फ्लैशिंग ऑलमोस्ट एक 5 सेकेंड्स के बाद रुक जाएगा, इसका मतलब है कि कैमरा
मेरा अब रेडी टू यूज़ है, शटर बटन क्लिक करने पर पिक्चर क्लिक हो जाएगा। और इसमें मैं कैटरेज भी रख दी, वो आपको ऑलरेडी बताई, तो यहाँ पर फिर नहीं दिखा रही हूँ। तो कैमरा ऑन करने के बाद यहाँ पर सामने इसका LED इंडिकेटर फर्स्ट मोड में ग्लो हो रहा है, जो कि इंडोर मोड है। और करेंटली मैं एक रूम में ही हूँ, तो ये करेक्ट ही दिखा रहा है। और दोस्तों, जब भी आप पिक्चर ले रहे हैं, ये कैमरा कौन सा मोड दिखा रहा है उसी मोड में इसे सेट करके आप पिक्चर लीजिए, वरना फ़ोटो ख़राब होने के चांसेस होंगे। क्योंकि यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, एक बार कैमरा फिर ऑफ़ करने के बाद ये फिर फर्स्ट मोड को ही चला जा रहा है। तो पिक्चर लेने से पहले हमेशा आप मोड चेक करके ही पिक्चर लीजिए। और अगर आप सेल्फ़ी ले रहे हैं, तो सामने यहाँ पर एक सेल्फ़ी मिरर भी है, तो उसमें आप देख कर फ्रेमिंग एडजस्ट करके सेल्फ़ी ले सकते हैं। या फिर डायरेक्ट पिक्चर्स ले रहे हो तो आप व्यू फाइंडर से फ्रेमिंग करके फोटोज ले सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस कैमरा पर एक फ़ोटो भी लेकर दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं एक सेल्फ़ी ले रही हूँ, तो इसका फ्रंट सेल्फ़ी मिरर जो है उसमें मैं फ्रेमिंग एडजस्ट करके उसके बाद ही फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ। और फ़ोटो लेने से पहले ही मैं इस कैमरा पर मोड भी चेंज कर ली, चेक भी कर ली। करेंटली इंडोर में हूँ, तो ये इंडोर मोड में सेट करके मैं यहाँ पर फ़ोटो ले रही हूँ। और फ़ोटो क्लिक करने के बाद ऐसे ऊपर से इसका पिक्चर बाहर आ जाएगा 2 सेकेंड्स में। और बाहर आने के बाद ये ऐसे कम्प्लीटली वाइट होगा, लेकिन ऑलमोस्ट 1 मिनट के बाद इस पर फोटो डेवलप होके कंप्लीट पिक्चर आपको दिखेगा। अब मैं आपको थोड़े फोटो सैंपल्स बताऊंगी। मैं इस कैमरा को ऑलमोस्ट 2 डेज से यूज़ कर रही थी, तो मैं थोड़े सैंपल्स कलेक्ट कर ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर्स विंटेज लुक के साथ अच्छा दिख रहे हैं, और नीचे स्पेस भी है जहाँ पर आप कुछ नोट लिख ले सकते हैं। और ये पिक्चर जो है, मैं इसे क्लोजअप लेंस लगा कर ली थी, और क्लोजअप लेंस से फोटोज लेने पर थोड़ा इमेज क्रॉप्ड आ रहा है। इसे आप माइंड में रख के फ्रेमिंग करके फोटोज लीजिए। और ये वाला फोटो जो है, मैं नॉर्मली रूम में सिर्फ इसके फ्लैश लाइट पर फोटो ली थी, तो पिक्चर ऐसा आया। और ये वाला एक सेल्फी फ़ोटो है। और ये लास्ट फ़ोटो जो है, यहाँ पर ना मैं फ़र्स्ट मोड चेंज करना भूल गई थी, इसलिए फ़ोटो ऐसा ओवर एक्सपोज्ड आ गया और फ़ोटो वेस्ट हो गया। और ये सेकंड फ़ोटो जो है, मैं इसे करेक्ट मोड में लगा कर फिर दोबारा फ़ोटो ली थी, और उसके बाद करेक्ट पिक्चर आया। तो ये सारे सैम्पल्स थे, फ़ोटो सैम्पल्स, आप भी एक बार देख लीजिए। तो ये था मेरा अनबॉक्सिंग और रिव्यू इस फ्यूजी फिल्म इंस्टैक्स मिनी 9 इंस्टेंट कैमरा का। इसमें फ़ोटो क्लिक करने पर पिक्चर्स इंस्टेंटली बाहर आते हैं, जो एक सुपर कूल फीचर है। और आप फ़ोटोज़ के रूप में मेमोरीज हमेशा आपके साथ ही ऐसे रख ले सकते हैं। आप डेफिनेटली प्रोफेशनल रिजल्ट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये एक फ़न टाइप कैमरा है, और देखने में भी स्टाइलिश और क्यूट है, और मुझे तो पसंद आया। बस इस कैमरा में फ्लैश ऑन ऑफ करने का एक ऑप्शन रहना चाहिए था, क्योंकि थोड़े लोगों के आईज सेंसिटिव होते हैं, और फ्लैश मारने पर आईज क्लोज हो जाते हैं, और मेरे भी आईज क्लोज होते हैं, तो इसलिए फ्लैश ऑन ऑफ करने का ऑप्शन रहता था तो बढ़िया होता था। मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप उसे वहाँ से ले सकते हैं। तो बस इतना ही था दोस्तों आज के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आ सके। मैं आपको मेरे अगले वीडियो में मिलूँगी। बाय।